100 ग्रेड इफेक्ट्स ऑफ GTA 4। रॉकस्टार नॉर्थ ने GTA 4 को डेवलप किया था और रॉकस्टार गेम्स ने इसे 29th of April 2008 को पहली बार पब्लिक के लिए रिलीज किया। निको बेलिक, जो कि GTA 4 का मेन प्रोटैगनिस्ट है, वो दूसरे GTA गेम्स के मेन प्रोटैगनिस्ट्स की तरह पहले एक क्रिमिनल नहीं था। निको सर्बिया में पैदा हुआ और उसने युगोस्लेव वॉर्स में पार्टिसिपेट किया जब वो एक टीनेजर था। गेम प्ले के दौरान हमें पता चलता है कि निको पहले एक हेलीकॉप्टर पायलट था और एक इन्फेंट्री मैन था, इसी वजह से उसे फ्लाई और शूट करने की स्किल्स मिली। निको का भाई और उसकी आंट इन वॉर्स के अंदर मारे गए। वॉर के दौरान उनकी स्क्वाड को एक मिशन मिला था जिसमें निको के विलेज से ही 15 लड़के थे, लेकिन उन 15 में से ही किसी एक ने उनकी स्क्वाड को बिट्रे कर दिया और इस एम्बुश में सिर्फ 3 लोग बचे, डार्को ब्रेविक, फ्लोरियन क्रेविक और निको बेलिक खुद। और निको बेलिक को ये पता था कि वो खुद तो बिट्रेयर नहीं है, सो ये जानने के लिए कि उन बचे हुए 2 लोगों में से बिट्रेयर कौन है, वो लिबर्टी सिटी आता है। वॉर के बाद निको ने रे बुल्गेरियन के लिए भी काम किया, बट रे बुल्गेरियन की एक शिप डूब गई जिसका ब्लेम निको बेलिक पर आया। रे बुल्गेरियन उस समय पे यूरोप में काफी बड़ा पावरफुल आदमी था, सो निको बेलिक का लिबर्टी सिटी आने का एक और रीजन था रे बुल्गेरियन से बचना। GTA 4 की पुलिस कार्स के अंदर आप लोगों के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को चेक कर सकते हो। अगर निको के रिकॉर्ड को चेक किया जाए तो हमें एक ग्रैंड थेफ्ट ऑटो यानी कि कार चुराने का रिकॉर्ड मिलता है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि निको बेलिक एक इमिग्रेंट है जो कि पहले कभी भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में नहीं आया है, और गेम में चाहे आप कितना भी प्रोग्रेस कर लो ये चेंज नहीं होता है। गेम के अंदर एक ईमेल सिस्टम भी है जिसके अंदर हम गेम के ही अलग अलग कैरेक्टर्स से बात कर सकते हैं। जब हम मेल्स को रिसीव करते हैं तो हमारे पास पॉजिटिवली रिप्लाई करने का ऑप्शन होता है और एक नेगेटिवली रिप्लाई करने का ऑप्शन होता है। निको की मदर उसे फ्रीक्वेंटली गेम के दौरान मेल्स भेजती रहती है, बट अगर प्लेयर निको की मदर के ईमेल्स के रिप्लाई नेगेटिव देने की कोशिश करता है फिर भी निको बेलिक कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही भेजता है। ये दिखाता है कि निको बेलिक कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो वो फिर भी एक अच्छा आदमी है और वो खुद को चेंज करने में बिलीव करता है। निको बेलिक का किल काउंट GTA सीरीज में सब कैरेक्टर्स से सबसे ज्यादा है, जहां पर गेम की स्टोरी के अंदर निको बेलिक 47 नॉन ऑप्शनल किल्स करता है और डिपेंडिंग अपॉन द प्ले स्टाइल ऑफ द प्लेयर ये किल काउंट 80 से भी ज्यादा हो सकता है। GTA 4 सेट है लिबर्टी सिटी में जो कि रियल लाइफ अमेरिकन सिटी न्यूयॉर्क सिटी पर बेस्ड है। गेम के अंदर आपको जगह जगह पर स्विंग सेट्स यानी कि झूले मिल जाएंगे। ये झूले बग्ड हैं यानी कि ग्लिच्ड हैं, तो जब भी प्लेयर इसके पास अपनी कार्स लेकर जाते हैं तो ये झूले उन कार्स को उड़ा देते हैं। निको बेलिक अमेरिका में एक लेटिवस नाम की शिप पर आता है। गेम की स्टार्टिंग में निको बेलिक एक इलीगल इमिग्रेंट है अमेरिका के अंदर। गेम के अंदर निको बेलिक गवर्नमेंट की हेल्प भी करता है, तो हो सकता है कि वो एक लीगल अमेरिकन सिटीजन बन गया हो। निको बेलिक के पास एक लाइफ इन्वेडर प्रोफाइल है। लाइफ इन्वेडर GTA यूनिवर्स का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और ये ईस्टर एग हमें GTA 5 के अंदर देखने को मिलता है। GTA 4 की स्टोरी के बाद हो सकता है कि निको बेलिक ने क्राइम लाइफ छोड़ दी हो। लेस्टर क्रेस्ट GTA 5 के अंदर ये मेंशन करता है कि कोई ईस्टर्न यूरोपियन बंदा लिबर्टी सिटी में कुछ हरकतें कर रहा था जिसने एक बैंक भी लूटा, लेकिन बाद में वो शांत हो गया। GTA 5 के अंदर एक मिस्टीरियस अंडर वाटर हैच मिलती है जो कि टीवी सीरीज लोस्ट का रेफरेंस है और ये एक स्पेशल मोर्स कोड को एमिट करती है। इस कोड को जब ट्रांसलेट किया जाता है तो इसका मतलब निकलता है हे यू नेवर कॉल हाउ डू यू फैंसी गोइंग बॉलिंग, जो कि निको बेलिक के कजन रोमन बेलिक का रेफरेंस है जो कि निको को बार बार बॉलिंग जाने के लिए बोलता रहता है। गेम के अंदर एक हैप्पीनेस आइलैंड नाम का आइलैंड है जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, बट इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर एक रैंडम जगह है जहाँ पर कार स्पॉन हो सकती है। इस आइलैंड पर कार लाने के दो ही तरीके हैं, बोट या फिर एयर। गेम के अंदर अगर आपकी कार डैमेज होकर ऑफ हो गई है और स्टार्ट नहीं हो रही है तो अगर आप गेम के किसी भी कैरेक्टर को कॉल करोगे तो आपकी कार स्टार्ट होने लगेगी। ये वर्क नहीं करता जब आपकी कार में आग लगी हो। गेम के अंदर एक अबैंडन्ड मैंशन के पीछे एक सुल्तान RS नाम की कार पार्क्ड रहती है। इस कार को लेने का एक और तरीका है जब ये कार गेम की टेम्पोररी मेमोरी में स्टोर हो जाती है और गेम में हमें कभी कभी चलते हुए दिखती है या फिर पार्क्ड दिखती है। स्टैचू ऑफ हैप्पीनेस के सदर्न डोर पर एक साइन है जिस पर लिखा है नो हिडन कंटेंट दिस वे। ये GTA San Andreas के गेंट ब्रिज के ऊपर जो साइन लगा है उससे काफी ज्यादा सिमिलर है। गेम के अंदर द स्टैचू ऑफ हैप्पीनेस के स्टैचू का जो फेस है ये काफी हद तक रिजेंबल करता है फॉर्मर US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन को। गेम के स्टैचू के राइट हैंड में एक कॉफी कप भी है और ये सब कुछ रेफरेंस है हॉट कॉफी कंट्रोवर्सी का। गेम के अंदर अगर आप स्टैचू ऑफ हैप्पीनेस के अंदर जाओगे जिसके लिए आपको एक हेलीकॉप्टर रिक्वायर्ड होगा तो उस स्टैचू के अंदर आपको एक बीटिंग हार्ट मिलेगा यानी कि धड़कता हुआ दिल। गेम के अंदर जो मैवरिक नाम का हेलीकॉप्टर है अगर आप उसके अंदर फर्स्ट पर्सन व्यू करके बैठोगे जो कि आप मोड्स का यूज करके कर सकते
सकते हो, तो वहाँ पर एक वार्निंग मैसेज लिखा हुआ होगा जो कि रीड करता है, दिस हेलीकॉप्टर माइट क्रैश बट वी रियली डोंट केयर इफ इट डज, रेफर टू फ्लाइट मैनुअल फॉर हेल्प। बर्गर शॉट रेस्टोरेंट्स के मेन्यूज के नीचे एक मैसेज लिखा हुआ होता है जो कि रीड करता है, दिस बर्गर मे किल यू, वी कांट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। गेम के अंदर एक ल्योर नाम का मिशन है जिसके अंदर हमें एक ड्रग डीलर को मारना होता है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस डीलर को हमारी शूटिंग की साइट के अंदर लाने के तीन तरीके हैं। पहला, उसके रूम के अंदर एक नंबर लिखा हुआ होता है, अगर हम उसे कॉल करें तो वो फोन को पिकअप करने आएगा और तब हम उसे शूट कर सकते हैं। दूसरा, उसकी बिल्डिंग के बाहर या फिर खिड़की के अंदर शूट करें तो वो देखने आएगा कि क्या दिक्कत है। और तीसरा, उसकी बिल्डिंग के बाहर एक एंटीना लगा हुआ होता है जो कि उसके टीवी से कनेक्टेड होता है, जिसको शूट करने से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और उस डीलर के टीवी का सिग्नल चला जाता है, जिससे कि वो टीवी को चेक करने आता है। इन तीन मेथड से हमें पता चलता है कि GTA 4 कितना ज्यादा डिटेल्ड है। गेम के अंदर चर्च बेल्स गेम के हर एक घंटे के पास होने के बाद रिंग करती हैं और ये बिल्कुल सही समय दिखाती हैं। गेम के अंदर जब आप टनल्स में जाते हो तो आपका सेल नेटवर्क कम हो जाता है। निको जब भी कोई कार हाईजैक करता है तो अगर उस कार को कोई वुमेन चला रही हो तो वो उसे हिट नहीं करता है। गेम के अंदर जो फायर हाइड्रेंट्स होते हैं वो रियलिस्टिकली डिफॉर्म करते हैं और उनकी कैप्स भी निकलती हैं। गेम के अंदर सारे फोन्स निको बेलिक के सेल फोन को मिरर करते हैं। गेम के अंदर आपकी कार के ब्रेक्स हीट अप भी हो सकते हैं, जिसके बाद उनसे स्मोक भी निकलना शुरू हो सकता है। GTA 4 ही ऐसा पहला गेम था जिसके अंदर कार वॉश फीचर हुई थी। बारिश और फायर ट्रक्स कार पर लगे हुए डड मार्क्स को क्लीन कर सकते हैं। गेम के अंदर निको बेलिक का कैरेक्टर बिहाइंड एनिमी लाइंस मूवी के शाशा से इंस्पायर्ड है। निको बेलिक जब अपने दोस्तों के साथ ड्राइव कर रहा होता है तो वो सीट बेल्ट लगाता है। गेम के अंदर जब प्ले बॉय एक्स मर जाता है तो अगर आप उसके अपार्टमेंट में जाओगे तो आपको उसके वार्डरोब में क्लोड के क्लोथ्स मिलेंगे जो कि GTA 3 का मेन प्रोटैगनिस्ट है। फनलैंड अम्यूजमेंट पार्क में एक मिनिएचर गोल्फ कोर्स है जिसके अंदर काफी सारे मिनिएचर्स पुराने GTA गेम्स से रीयूज किए गए हैं। हैप्पीनेस आइलैंड के स्टैचू के एंट्रेंस के फ्रंट पर एक स्ट्रीट आर्टिस्ट डिस्प्ले है जिसमें काफी सारी फोटोज डिस्प्ले हो रही होती हैं। ये सारी फोटोज पुराने GTA कैरेक्टर्स के कॉन्सेप्ट वर्क्स हैं। ऐसी डिस्प्लेज आपको साउथ सेंट्रल एल्गोंकिन और द लिबर्टोनियन के सामने मिल सकती हैं। डोनाल्ड लव जो कि GTA 3 का एक कैरेक्टर है वो GTA 4 के अंदर एक इन गेम न्यूज़पेपर लिबर्टी ट्री के फ्रंट पर दिखता है। डोनाल्ड लव GTA 3 में डिसअपियर हो गया था। गेम के अंदर एल्गोंकिन सेफ हाउस के बाहर एक बिल बोर्ड लगा हुआ होता है जिसमें एक आदमी वाइन ड्रिंक कर रहा होता है जो कि GTA सैन एंड्रियास के सीजे से काफी ज्यादा सिमिलर दिखता है। गेम के अंदर किसी भी चीज को खरीदने के लिए हमारे पास उस चीज के प्राइस से $1 ज्यादा होना चाहिए। गेम के अंदर टैक्सी लाइट्स इंडिकेट करती हैं कि उस टैक्सी के अंदर पैसेंजर है कि नहीं। GTA 3 की स्क्रिप्ट को GTA 4 की स्क्रिप्ट के साथ कंपेयर किया जाए तो वो कुछ ऐसी दिखती है। पुलिस सायरेंस डिफरेंट साउंड करते हैं जब उन सायरेंस की लाइट्स डैमेज हो जाती हैं। ट्रैफिक लाइट्स और पावर लाइंस विंड में स्वे करती हैं यानी कि हिलती हैं। कुछ कार्स के अंदर वॉइस नेविगेशन होती है यानी कि एक वॉइस आपको असिस्ट करेगी कि किस साइड आपको टर्न करना है। ठंड में जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारी ब्रेथ कंडेंस हो जाती है और वाटर वेपर्स में बदल जाती है। ऐसा GTA 4 के अंदर भी होता है। गेम के अंदर RPGs हवा में स्वर्ल करते हुए यानी कि घूमते हुए अपने टारगेट को हिट करते हैं। गेम के अंदर कुछ NPCs अग्रेसिव होते हैं और जब आप उनकी कार को चुराते हो तो वो कार डोर पर लटक जाते हैं। गेम के अंदर आप NPCs के वेपन्स को शूट करके उनके हाथ से वेपन्स को गिरा सकते हो। गेम के अंदर जब व्हीकल्स क्रैश होते हैं तो वो वॉल्स पर निशान छोड़ देते हैं। अनलाइक GTA 5, GTA 4 के अंदर आप अपने कार के इंजन को ऑन रख सकते हो। अगर आप एग्जिट या फिर एंटर वाली की को होल्ड करके रखोगे तो आपकी कार बाहर निकलते हुए ऑफ हो जाएगी। अगर आप उसे सिर्फ एक बार प्रेस करोगे तो आपका कैरेक्टर कार से बाहर तो उतर जाएगा लेकिन कार ऑन रहेगी। गेम के अंदर आप हॉट डॉग स्टैंड से हॉट डॉग्स बाय कर सकते हो और रेस्टोरेंट्स के अंदर भी जा सकते हो जिससे कि आप अपनी हेल्थ को रिप्लेनिश कर सकते हो। गेम के अंदर जो न्यूज रेडियो पर आ रही होती है वो इन गेम इवेंट्स को मैच करती है। गेम के अंदर जब बारिश होती है तो लोग कवर ढूंढने के लिए भागते हैं। कभी कभार ये NPCs खुद को न्यूज़पेपर्स या फिर अम्ब्रेला से प्रोटेक्ट करते हैं। जब आपको कोई फोन आता है गेम के अंदर तो आपकी कार का रेडियो थोड़ा इंटरफेयर हो जाता है उस फोन कॉल से। जब आप अपनी कार की लाइट्स को ब्राइट करते हो तो इनकमिंग ट्रैफिक आप पर होंक करेगा। अगर आपकी कार हाई स्पीड पर क्रैश करती है तो आपका कैरेक्टर कार से बाहर भी निकल सकता है। GTA 4 100 से भी ज्यादा लाइसेंस्ड सॉन्ग्स को फीचर करता है। गेम के अंदर आपको NPCs ये कंप्लेन करते हुए मिल जाएंगे कि उन्हें बाहर आकर स्मोक करना पड़ता है। ये रेफरेंस है न्यूयॉर्क सिटी का जहां पर मोस्टली जगहों पर अंदर स्मोक करना अलाउड नहीं है। विलिस नाम की जगह पर एक शॉप है जिसका नाम है बिग अल्स फर्नीचर। ये रेफरेंस है इटालियन अमेरिकन गैंगस्टर
एल कैपोन का, जो कि ऑफिशियली ओनर था एक फर्नीचर शॉप का। GTA 4 उन गेम्स में से एक था जिन्होंने सबसे पहले नेचुरल मोशन का यूफोरिया इंजन यूज किया था, जिससे कि कैरेक्टर की मूवमेंट और एनवायरमेंट के साथ रिएक्शंस काफी ज्यादा रियलिस्टिक हो गए। GTA 4 ही पहला ऐसा GTA गेम था जिसके अंदर फुल मोशन कैप्चर यूज हुआ था कैरेक्टर की एनिमेशंस के लिए। GTA 4 का मैप GTA San Andreas के मैप का 1/6 है। गेम की एक इन गेम वेबसाइट लिबर्टी ट्री पर एक आर्टिकल है जहां पर एयर सोल एयरलाइन के एक प्लेन की बात हो रही होती है जिसमें 212 पैसेंजर्स होते हैं। 212 यानी कि 212 रेफरेंस है न्यूयॉर्क सिटी के एक एरिया कोड का। GTA 4 पर 1000 से भी ज्यादा लोगों ने काम किया था। गेम को बनने में 3.5 years से भी ज्यादा टाइम लगा था। GTA 4 $100 million में बना था। GTA 4 अपने टाइम का सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव गेम था इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट। विद इन 24 hours GTA 4 की 3.6 million से भी ज्यादा कॉपीज बिकी। गेम के लॉन्च होने पर इसने अपने पहले दिन पर $310 million कमाए और अपने पहले वीक में इसने $500 million कमाए। GTA 4 के अंदर आप स्टैंड अप कॉमेडी शोज को भी अटेंड कर सकते हो। गेम की एक इन गेम वेबसाइट से आप रिंगटोन्स बाय कर सकते हो। इस वेबसाइट का नाम है और URL है VIPLuxuryRingtones.com। GTA 4 के फोन्स में आप एक पेजर रिंगटोन भी सेट कर सकते हो। ये रिंगटोन वही रिंगटोन है जो कि GTA 3 के अंदर पेजर्स में यूज होती थी। GTA 4 की मेन एंट्री के रिलीज होने के बाद GTA 4 के दो DLCs भी आए थे। इन दोनों DLCs ने GTA 4 की स्टोरी को सपोर्ट किया और गेम में क्या चल रहा है उसका एक डिफरेंट एंगल भी दिखाने की कोशिश की। ये DLCs GTA 4 की स्टोरी को और भी ज्यादा डिटेल्ड और रियलिस्टिक बना देते हैं। 3D यूनिवर्स का रहीनो टैंक GTA 4 के अंदर भी होने वाला था लेकिन बाद में इसे कट कर दिया गया। आइसक्रीम वेंडर्स भी गेम के अंदर होने वाले थे जिनसे आप आइसक्रीम्स को खरीद पाते लेकिन इन्हें भी बाद में कट कर दिया गया। गेम के एयरपोर्ट पर प्लेन्स तो बहुत सारे होते हैं लेकिन वो फ्लाईएबल नहीं होते। इसका रीजन है GTA 4 का डिटेल्ड बट छोटा मैप जिसमें प्लेन्स को फ्लाई करना सेंस नहीं बनाता। रोमन बेलिक निको बेलिक का कजन ही वो अकेला कैरेक्टर है GTA 4 में जो कि GTA 4 के तीनों कैरेक्टर्स से बात कर चुका है। ये तीन कैरेक्टर्स हैं निको बेलिक, लुइस लोपेज और जोनी क्लेबेट्स। गेम में जब आप टायर्स को शूट करते हो तो उनसे काफी रियलिस्टिकली हवा निकलती है और बाद में वो बस्ट भी हो जाते हैं। गेम के अंदर आप आइटम्स जैसे कि ब्रिक्स और कॉफी कप्स इनको उठाकर NPCs पर मार सकते हो। लिबर्टी सिटी की हर एक स्ट्रीट में एक स्ट्रीट साइन जरूर होता है। GTA 4 में जब हमारे कैरेक्टर के पास कोई एक्सप्लोजन होता है तो थोड़ी देर तक एक रिंगिंग साउंड आती है यानी कि कान बजने की आवाज आती है। गेम के आइसक्रीम ट्रक्स में GTA 4 के थीम सॉन्ग को प्ले करने का ऑप्शन होता है और ट्रक की स्पीड के साथ इस सॉन्ग की स्पीड भी चेंज होती है। GTA 4 के अंदर एक फुली ऑपरेशनल सबवे सिस्टम है बट ये बहुत ही कम मिशंस में यूज हुआ है। गेम में जब कार्स पेड़ से टकराती हैं तो पेड़ से कुछ पत्ते नीचे गिरते हैं। गेम के अंदर आप फायर हाइड्रेंट्स को मोलोटोव से एक्टिवेट कर सकते हो। फायर ट्रक्स और फायर हाइड्रेंट्स कार्स में लगी आग को बुझा सकते हैं। पुलिस कभी कभार NPC व्हीकल्स को भी यूज करती है आपके कैरेक्टर को चेस करने के लिए जब वो वांटेड होता है। गेम के अंदर पहले 9mm साइलेंस्ड पिस्टल, रिवॉल्वर, फ्लेम थ्रोवर और मिनीगन जैसे वेपन्स भी होने वाले थे लेकिन इन्हें रिमूव कर दिया गया। गेम के अंदर पहले स्नो भी फीचर होने वाली थी और इसे भी रिमूव कर दिया गया। स्टैचू ऑफ हैप्पीनेस का नाम स्टैच्यू ऑफ फ्रीडम होने वाला था। गेम के अंदर एक फुल्ली फंक्शनल बस सर्विस भी होने वाली थी। गेम के अंदर फीमेल कॉप्स भी होने वाली थी। गेम पहले न्यूयॉर्क सिटी और उसके अराउंड के एरियाज को भी फीचर करने वाला था लेकिन गेम के डेवलपर्स इसे इमर्सिव, रियलिस्टिक और डिटेल्ड बनाना चाहते थे इसीलिए गेम के मैप का एक काफी बड़ा पोर्शन हटा दिया गया। गेम के अंदर काफी लंबे टाइम तक बर्नआउट करने से कार के टायर्स बस्ट हो जाते हैं। डेवलपर्स ने गेम के अंदर एक एंटी पायरेसी मेजर भी डाला जिसमें अगर आपके पास गेम की एक इलीगल कॉपी है और गेम ये डिटेक्ट कर लेता है, गेम को कुछ मिनट्स खेलने के बाद आपका इन गेम कैमरा वोबल करने लगेगा यानी कि हिलने लगेगा और व्हीकल्स के ब्रेक्स काम नहीं करेंगे। गेम के काफी सारे ट्रेलर्स और ऑफिशियल आर्टवर्क्स में निको ग्लव्स पहने हुए दिखता है लेकिन ये ग्लव्स एक्सेसिबल नहीं है मोड्स का यूज किए बिना। गेम के अंदर अगर आप एयरपोर्ट को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर प्लेन्स जो कि जंबो
ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो रनवेज पर टैक्सी कर रहे होते हैं, यानी कि इधर उधर घूम रहे होते हैं लूप्स में, लेकिन कोई भी प्लेन एक्चुअली टेक ऑफ नहीं करता है। गेम में प्लेन्स आपको उड़ते हुए भी दिख जाएंगे, लेकिन वो भी एक कंटिन्यूस सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हैं सिटी के अराउंड। और जब ये प्लेन्स एयरपोर्ट के पास पहुंचते हैं तो वो थोड़ा अपनी हाइट को कम कर लेते हैं और फिर वापिस से बढ़ा लेते हैं, ताकि एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट हो कि वो प्लेन्स लैंड कर रहे हैं और वापिस से टेक ऑफ कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली ग्राउंड को टच करते ही नहीं है। गेम के मोस्टली अपार्टमेंट ब्लॉक्स के स्टेयर केसेस पर ग्राफिटीज बनी होती हैं, जो कि रेफर कर रही होती हैं कि पुराने 3D यूनिवर्स के कैरेक्टर्स मर चुके हैं। ये रॉकस्टार की तरफ से फैंस के लिए एक छोटा सा जोक है। इसका मतलब है कि HD यूनिवर्स के GTA गेम्स जैसे कि GTA 4 और GTA 5 कुछ ही एलिमेंट्स को 3D यूनिवर्स से इनहेरिट कर सकते हैं। GTA 4 की स्टार्टिंग RDR 1 की स्टार्टिंग से काफी ज्यादा सिमिलर है, जहां पर RDR 1 में जॉन मार्स्टन एक बोट से उतरता है और वहां पर एक कार अनलोड हो रही होती है। वैसे ही GTA 4 में भी निको बेलिक एक शिप से उतरता है और यहां पर भी एक कार अनलोड हो रही होती है। गेम के अंदर स्टैचू ऑफ हैप्पीनेस के पेडेस्टल पर आपको एक स्वेटर मिलेगी। इस स्वेटर को कलेक्ट करने पर निको इसे पहन लेगा। इसके फ्रंट साइड पे लिखा है हैप्पीनेस इज और बैक साइड पे लिखा है लैंड। ये एक वर्ड प्ले है जिसका मतलब है हैप्पीनेस आइलैंड।